Hello students, this is Neeraj Gupta, Aunt Jennifer's Tigers. पिछली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट स्टैंजा कवर कर लिया था और फर्स्ट स्टैंजा में कुछ खास बातें नहीं आई थी, सिर्फ इतनी बात आई थी कि दैट आंट जेनिफर जो है वो अपने स्क्रीन पर टाइगर्स बना रही हैं. दे आर डेनिजन्स ऑफ जंगल, दे डोंट फियर द मैन एंड दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी, मीन्स दे वॉक द रन इन कॉन्फिडेंस विद ब्रेवरी. नाउ द सेकेंड स्टैंजा टॉक्स अबाउट दैट आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल. एक्चुअली मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो एक तरह से एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं. तो एम्ब्रॉयडरी में शी इज यूजिंग द आइवरी नीडल. राइट. तो आइवरी नीडल को यूज करके बेसिकली वो टाइगर्स बना रही है एंड शी इज अंडर फिजिकल एंड मेंटल प्रेशर. एज हो गई है तो शी इज अंडर फिजिकल प्रेशर एंड क्योंकि उनके हस्बैंड एक डोमिनेंट नेचर के हैं, उनकी मैरिज उतनी अच्छी नहीं है, उनके एक्सपीरियंसेस अपनी मैरिज के अपनी लाइफ के उतने अच्छे नहीं है, तो ऐसे लोग थोड़ा सा मेंटल प्रेशर में भी रहते हैं. सो बिकॉज ऑफ द बोथ मेंटल एंड फिजिकल प्रेशर शी इज वेरी वीक एंड शी इज नॉट हैविंग द इनफ स्ट्रेंथ. उनके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो जो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए नीडल यूज करनी होती है ना, जैसे एक स्क्रीन है, जैसे मैं एक बार फिर से आपको पिक्चर दिखाता हूं, तो अभी इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि पहले वो निडल को अंदर डाला जाएगा, फिर खींच के वापस ऊपर निकाला जाएगा. तो शी इज फाइंडिंग इट इवन डिफिकल्ट फॉर दिस. दैट इज व्हाट द स्टैंजा इज सेइंग, दैट आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग. यहां तक फ्लटरिंग वर्ड के मीनिंग का सवाल है. फ्लटरिंग का मतलब यहां पर मूविंग भी है और शिवरिंग भी है. वैसे तो रूटीन में फ्लटरिंग इज मूविंग, जैसे हाथ चल रहा है ना, बट क्योंकि वो बूढ़ी हैं तो उनके हाथ कांप रहे हैं. सो यहां पर इसके दोनों मीनिंग है, फ्लटरिंग के, है ना. इट इज ऑल्सो मूविंग एज वेल एज इट इज शिवरिंग. सो आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. इवन उनको वो सुई जो नीडल है उनकी, आइवरी, आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत से बनी हुई, तो इवन वो आइवरी नीडल यानी कि जो नीडल है, सुई है, उसको भी वो खींच नहीं पा रही, मतलब ढंग से वो अपनी एम्ब्रॉयडरी भी नहीं कर पा रही, उनके हाथ कांप रहे हैं और शी इज अंडर फिजिकल एंड मेंटल प्रेशर. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. देखिए जैसे इंडिया में सब लोग मंगल सूत्र पहनते हैं, ऐसे ये फॉरेन कंट्री की पोएम है, तो ये मैंने प्रिज्यूम किया है कि अंकल्स वेडिंग बैंड इज हेयर रेफरिंग टू रिंग, द वेडिंग रिंग. तो जहां तक मैसिव वेट का सवाल है, ऑब्वियसली रिंग कोई ऐसा तो है नहीं कि 10 किलो की पहन रखी होगी जिसकी वजह से हाथ नहीं चल रहा है. मैसिव वेट क्या है? ये वेट जो है वो दिमाग में है, होता ना, कहते ना विचारों के बोझ के नीचे दबा हुआ है. तो बेसिकली क्योंकि उनकी मैरिज उतनी अच्छी नहीं रही है जैसा वो चाहती थी, उनके हस्बैंड एक डोमिनेंट नेचर के पर्सन रहे हैं, तो ऐसा मान के चला जा सकता है कि वो अपनी मैरिज से बहुत खुश नहीं है और एक तरह से जो वेडिंग रिंग है वो बांध के रखी हुई है उनको. वेडिंग रिंग का मतलब है कि शी इज मैरिड. मैरिड हैं तो मैरिड पर्सनालिटी की, मैरिड लेडी की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैरिड लेडी के ऊपर कुछ अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं. नेचुरली जब हस्बैंड कंट्रोल करेगा तो वो हर चीज में कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, कहाँ जाओ, क्या खाओ, क्या पहनो, क्या करो, क्या ना करो, किससे मिलो, क्या बात करो, क्या ना करो. तो नेचुरली एक आदमी प्रेशर में रहता है. तो यू कैन से दिस इज अ वेट ऑफ बेसिकली नॉट द वेडिंग बैंड, यू कैन से इट इज अ वेट ऑफ अ बैड रिलेशनशिप. इट्स द वेट ऑफ अ डोमिनेंस, डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड. सो द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. तो बेसिकली इट इज नॉट अपॉन द जेनिफर्स हैंड, इट इज बेसिकली अपॉन हर माइंड. यू कैन से the weight we are talking about, the massive weight is not sitting heavily on her hand, we can say it is on her mind. ek tarah se dimag ko kabu kiya hua hai na, aisa to nahi na ki haath mein koi hathkadi bandh ke koi apni wife ko rakhega. basically it can only refer to that she is being controlled, like even the emotions are being controlled by her husband, we can think about it. so this is the stanza 2.
that she is fluttering through her wool, and even the ivory needle hard to pull means because of the pressure she is not even able to do her embroidery properly, and she is bound by the, you can say, the rules of marriage. Well, aise koi rules of marriage nahi hote ki agar marriage hai to aap ye nahi karenge wo nahi karenge, but if the husband is dominating and the lady is observing, है ना, फाइट ना कर कर, देखे लेडी के पास भी दो ऑप्शंस रही होंगी जरूर, है ना, किसी भी लेडी की अगर ये स्टोरी हम मान के चलें कि अगर हस्बैंड डोमिनेट कर रहा है तो लेडी रिटेलिएट भी कर सकती है, बट उन्होंने एक तरह से जो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सोसाइटी थी, जो भी उस समय, जिस समय की भी ये पोएम है, जो भी उस समय के जो हालात हैं उसके हिसाब से उन्होंने अपने हस्बैंड की बातों को मानना मंजूर किया होगा, उस प्रेशर को झेलना मंजूर किया होगा. सो दैट्स व्हाई शी इज फीलिंग द मैसिव वेट ऑफ द वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन जेनिफर्स हैंड, राइट. सो जैसा मैंने कहा, फ्लटरिंग के अंदर मूविंग एंड शिवरिंग, ये दो बनते हैं. सो इस स्टैंजा की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास तीन क्वेश्चंस जो है डिस्कशन के लिए हैं. पहला है, व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विद हर वूल. डेफिनेटली शी इज वर्किंग ऑन एन एम्ब्रॉयडरी पैनल. शी इज वर्किंग ऑन एन एम्ब्रॉयडरी पैनल एंड शी इज क्रिएटिंग टाइगर्स. ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया. व्हाट इज शी डूइंग? शी इज डूइंग एम्ब्रॉयडरी एंड क्रिएटिंग टाइगर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does she find it difficult to pull her ivory needle? मैंने पहले बोला ना, वो ivory needle भी क्यों नहीं pull कर पा रही है? Because of the physical and mental pressure. Physical pressure है, क्योंकि age हो गई है, बूढ़ी हो गई है, तो अब कुछ भी काम करने में ताकत लग रही है जो उनके पास शायद sufficient नहीं है, right? And mental pressure, जैसे मैंने कहा, husband dominating nature के हैं, तो वो एक mental pressure भी उन पर है. तो जब ये दोनों pressure ही होते हैं, तो आदमी बुरी तरह से कमजोर हो जाता है. बुढ़ापे में आदमी कमजोर तो होता ही है, लेकिन अगर इस तरह का कुछ बैड रिलेशन चल रहा हो तो डेफिनेटली मेंटल प्रेशर आदमी को और भी ज्यादा कमजोर कर देता है. सो शी इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू पुल. एंड द लास्ट, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. अगर हम इसकी बात करें तो हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि अंकल्स वेडिंग बैंड का जो वेट है वो वेट नहीं है, एक सिंपल से रिंग का या एक कोई भी इस तरह का बैंड अगर उन्होंने और भी कोई बांधा हो उसका क्या वेट होगा. बेसिकली द प्रेशर, द वेट इज इन अवर माइंड. The weight is in her mind, and it is a weight of an unpleasant relationship. It is the weight of an unpleasant relationship, and plus there are a lot of responsibilities of married life. There are restrictions of a patriarchal society. So all these things are basically, you can say, proving to be a massive weight. Proving to be a massive weight. Right. So I think ye questions aap easily kar sakte hain. और आपके पास हमारी पूरी बुक तो है ही, तो उसके अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं स्टैंजा पे, तो आप उनको भी साथ साथ कर सकते हैं, राइट. चलिए जी, नेक्स्ट में हम इस पोएम को फिनिश करेंगे. थैंक यू.